Hello everyone. In this video, we are going to start session 2 managing headers and footer. अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि margins क्या होते हैं। जब भी आप कोई printed document देखते हैं, जैसे कि फिलहाल हमारे सामने जो page दिखाई दे रहा है, तो इस page पे आप ध्यान दें, तो top में, bottom में, left में और right में आपको कुछ खाली space दिखाई दे रहा है। This blank space is called margin. अब यहीं पे हम जानते हैं headers और footer के बारे में। ये जो ऊपर वाला मार्जिन है टॉप मार्जिन से ऊपर जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम कहते हैं हेडर, और बॉटम मार्जिन जहां तक हमारा टेक्स्ट है उससे नीचे का जो खाली स्पेस है इसको हम कहते हैं फुटर। देन द हेडर इज अ सेक्शन दैट अपीयर इन द टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हेडर, एंड फुटर अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब इस हेडर और फुटर का यूज हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट का नाम, पेज नंबर, डेट, हर पेज पे प्रिंट करने के लिए। एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हेडर और फुटर इंडिविजुअल अलग अलग पेज पे आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो इन्फॉर्मेशन आप हेडर में चाहते हैं उसको आप हेडर में ऐड करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आप फुटर में चाहते हैं वो फुटर में सिर्फ आपको एक बार ही ऐड करना है। इसके बाद वो पूरे डॉक्यूमेंट पे एक साथ अप्लाई हो जाता है। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर और फुटर को अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। यहां से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है। अब यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ एंट्री करते हैं बिना टाइप किए। इसके लिए हमें करना है इज इक्वल टू रैंड, और यहाँ पे मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए। तो 10 पैराग्राफ कितनी लाइंस के, तो यहाँ पे मैं 6 लाइन के कर लेता हूँ। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने एक रैंडमली पैराग्राफ पेज पे एंट्री कर ली है। अब यहाँ पे जो ऊपर का स्पेस दिखाई दे रहा है ये है टॉप मार्जिन। नीचे बात करें तो यहाँ पे है हमारा बॉटम मार्जिन, ये लेफ्ट का मार्जिन और ये राइट का मार्जिन है। इस तरीके से हमारे पेज पे 4 मार्जिन अवेलेबल हैं। अब यहाँ हेडर और फुटर एंट्री के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। अगर आपको हेडर एंट्री करनी है तो बस आपको टॉप मार्जिन का जो स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे कहीं पे भी आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आपका हेडर सेक्शन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास 10 हेडर एंड फुटर। अब यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है वो यहां पे एक बार लिख देनी है। बाहर निकलने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। आप यहां पे क्लोज बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, क्लोज हेडर एंड फुटर सेक्शन पे, और दूसरा तरीका है आप अपने कीबोर्ड से स्केप की को प्रेस करेंगे। जब आप हेडर और फुटर सेक्शन में आते हैं तो आप एक साथ ही हेडर और फुटर दोनों इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं एक इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, अब बाहर निकलने के लिए हम यहां से स्केप की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। अब ये देखिए, अब हमारे पेज पे हेडर और बॉटम में अगर हम देखें तो यहां पे फुटर इंसर्ट हो चुका है, जो कि डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पे अप्लाई हो जाता है। यहां देखिए हमारा हेडर, हमने पेज 1 पे एंट्री की थी, और यहां पे पेज 2 पे भी हमारे पास हेडर और फुटर दोनों ही इंसर्ट हो चुके हैं। हेडर या फुटर इंसर्ट करने के लिए हमें चले जाना है यहाँ इंसर्ट टैब पे, और यहां से हमें ढूंढ लेना है हेडर एंड फुटर का एक ग्रुप। अब हेडर और फुटर ग्रुप के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है हेडर, दूसरा है फुटर, और तीसरा है पेज नंबर। एक एक करके इन 3 ऑप्शंस को हम देखेंगे। यहां पे आपको हेडर सेक्शन में ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। अब बात करें हेडर और फुटर की तो दोनों में लगभग एक जैसा ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहां से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज एंट्री करना चाहते हैं तो यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा आप ब्लैंक वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। ब्लैंक ऑप्शन चूज करने के बाद हम फिर से कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं स्केप की। ये देखिए हमारा हेडर सेक्शन ऐड हो चुका है। जब भी अगर आपको दोबारा से एंट्री करनी हो, दोबारा से कुछ चेंज करना हो, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप डबल क्लिक करके भी हेडर सेक्शन में आ सकते हैं। बाहर निकलने के लिए आपको स्केप की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट एरिया में भी कहीं डबल क्लिक करते हैं तो आप हेडर सेक्शन में बाहर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फुटर कैसे अप्लाई करना है। फिर से हम चलते हैं फुटर सेक्शन में। यहाँ पे देखिए फिर से हमारे पास कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी एक ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए
और यहां से फिर से मैं ब्लैंक चूज कर लेता हूं और यहां पे हम फुटर ऐड करेंगे। अब ये देखिए हमने यहां पे हेडर और फुटर दोनों ही ऐड कर लिया, हमें दूसरे पेजेस पे भी ये डॉक्यूमेंट में दिखाई देगा। अब एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में पहले से हेडर या फुटर अप्लाइड है और हम उसको चेंज करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अलग अलग पेजेस पे जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक सिंगल क्लिक से हेडर या फुटर दोनों में से किसी को भी रिमूव कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में से। इसके लिए भी हम चलेंगे इंसर्ट टैब पे और यहाँ से जाना है हमें हेडर सेक्शन में और यहाँ देखिए बॉटम में आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव हेडर, एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे हेडर जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में पेजेस थे उन सभी से रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से हम फुटर को भी रिमूव करेंगे, फुटर पे जाएंगे और यहाँ पे रिमूव फुटर। अब ये देखिए दोनों ही ऑप्शंस यहाँ से यानी कि हेडर और फुटर हमारे पेज से रिमूव हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो नया हेडर या फुटर लगा सकते हैं या फिर बिना हेडर या फुटर की इन्फॉर्मेशन के भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो तीसरा ऑप्शन है पेज नंबर, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है, टॉप अप पेज, बॉटम अप पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजिशन। अब यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करने से पहले मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको पेज नंबर रखना कहाँ पे है। जनरली जो पेज नंबर होता है वो बॉटम में होता है या तो टॉप में होता है, तो यहाँ से दोनों में से ऑप्शन हम चूज कर लेंगे टॉप या बॉटम। इसके बाद हमारे पास पेज मार्जिन्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इस डॉक्यूमेंट में तो इस पेज पे देखिए जो पेज नंबर रिटन है वो हमारे राइट मार्जिन के साथ ऐड किया गया है, आप इसको राइट या लेफ्ट भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, यहाँ से हम चूज कर लेते हैं टॉप ऑफ द पेज। अब यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज में देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। अब हमारे हेडर सेक्शन में पेज नंबर ऐड हो चुका है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज और ये है हमारा सेकंड पेज। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टाइल्स जो भी अवेलेबल हैं आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे पेज नंबर को हम मार्जिन के साथ ऐड करके देखते हैं, तो जब आप पेज मार्जिन ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ से देखिए लेफ्ट राइट वर्टिकल राइट यानी कि टॉप और बॉटम दोनों ही ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, तो हम यहाँ पे लेफ्ट में चूज कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट में पेज नंबर दिखाई देगा। अब पेज नंबर सेक्शन में देखें तो हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है करंट पोजीशन। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने कर्सर को प्लेस कर लेना है, कर्सर हम जहां पे भी प्लेस करेंगे वो हमारा पेज नंबर भी वहीं पे एंट्री हो जाएगा। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ और अब हम चलते हैं पेज नंबर पे करंट पोजीशन और यहाँ से जो भी ऑप्शन हमें ठीक लगे वो चूज करते हैं। इस बार हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकेंड पेज ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इंसर्टिंग डेट एंड टाइम। अब अपने डॉक्यूमेंट में हम डेट और टाइम भी ऐड कर सकते हैं। डेट या टाइम ऐड करने के लिए हमें चले जाना है इंसर्ट टैब पे फिर से और यहाँ से डेट या टाइम ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ से हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, वो चाहे डेट के लिए हो या टाइम के लिए हो। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है डेट और टाइम कंबाइंड वे में भी, तो ये इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट या टाइम इंसर्ट करने के लिए हमें चले जाना है इंसर्ट टैब पे और यहाँ से ऑप्शन चूज कर लेना है डेट एंड टाइम, क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखें हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है जहाँ से हम डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जिनमें से किसी एक को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें डेट और टाइम दोनों ही डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट करके रखना है। अब अगर आप इस ऑप्शन को चेक करके रखते हैं तो जब भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे यहाँ पे डेट और टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, यानी जब इस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करेंगे तो आपके इस पेज पे करंट डेट और टाइम डिस्प्ले होगा। अगर आप इस ऑप्शन को नहीं चाहते हैं तो यहाँ से अनचेक कर दीजिए, तो आपका डेट या टाइम उसी दिन का डिस्प्ले होगा जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया था। तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखता हूँ और ओके करता हूँ। लेकिन रुकिए, ये करने से पहले भी आपको ध्यान रखना है कि आपका कर्सर उस जगह पे प्लेस होना चाहिए जहाँ पे ये ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, यानी कि फिलहाल अगर आप हेडर या फुटर जहाँ पे भी डेट या टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं या अगर आप डॉक्यूमेंट में कहीं बीच में ऐड करना चाहते हैं तो आपको कर्सर वहाँ पे प्लेस करके रखना है। अब यहाँ पे मैं कर्सर को नेक्स्ट लाइन में प्लेस कर लेता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे डेट या टाइम ऑप्शन पे। अब यहाँ से एक टाइम ऑप्शन चूज करते हैं डेट और टाइम का फॉर्मेट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देते हैं। तो फिलहाल देखिए हमारे सामने डेट और करंट टाइम डिस्प्ले हो गया है।
अब यहाँ पे हमने अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखा हुआ था, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप चाहें तो करंट टाइमिंग नोट कर लें, अभी फिलहाल हो रहा है 6:45, इसको सेव कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये टाइम चेंज होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं और वापस से आके देखेंगे कि इसमें टाइम अपडेट हो गया है नहीं हो गया है। तो फिर से ओपन करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए तो करंट टाइम अब चेंज हो चुका है 6:45 से 6:46, अब ये चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर इस डॉक्यूमेंट को मैं नेक्स्ट डे ओपन करूँ तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट डेट और करंट टाइम डिस्प्ले होगा यहाँ पे। ये ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप चाहते हैं अपने प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को अपडेटेड दिखाने के लिए।